हम भी क्या करें, क्योंकि इसी से हमारी रोजी रोटी चलती है और इसी मेहनत के बलबूते हम लोग यहाँ पे पहाड़ों में सर्वाइव करते हैं। और बहुत मेहनत करनी पड़ती है क्योंकि ये जो वीडियो में होता है ना, वो कुछ पल कैप्चर होते हैं कि अभी लोड हो चुकी है हल्द्वानी के लिए, तो हमारा जो फ्रूट्स था वो लोड कर दिया हमने पिकअप में। तो हेलो दोस्तों, एक नए सुबह की शुरुआत हो गई है और आज का व्लॉग मैं घर से स्टार्ट कर रही हूँ, तो चलिए फिर आज का व्लॉग भी स्टार्ट करते हैं। हेलो हाय नमस्ते प्रणाम आप सभी को, होप करती हूँ कि सबके सब सही होंगे और मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो आज ना मौसम एकदम बारिश का हो रहा है, यानी कि हल्की सुबह बारिश हुई थी, अभी ना धूप है और एकदम बादलों से सुनहरा मौसम दिख रहा है। तो अभी क्या होगा ना कि बरसात में पूरा पहाड़ों का अद्भुत नजारे आपको देखने को मिलेंगे। तो फिलहाल मैं रेडी हो गई हूँ, आज मैंने हाफ स्वेटर रख लिया है क्योंकि कल भीगी थी तो बहुत ठंड लगी थी मेरे को, तो इसलिए आज मैंने पहले से स्वेटर रेनकोट वो रख लिया है। कल तक नहीं रखा था क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी। तो फिर आज के ब्लॉग की स्टार्टिंग करते हैं। तो मैं हो गई हूँ रेडी ऑफिस जाने के लिए और सब कुछ मैंने तैयार कर लिया है। और आज ना आप मेरे चेहरे पे एक मार्क्स देख रहे होंगे, ये है जो मैं कल का जो वीडियो अपलोड किया था उस पर जब मैंने कांटे जलाए थे तो आग बुझाने में ना मेरी एक चिंगारी यहाँ आ गई थी, तो उस टाइम पर अंदाज नहीं आ रहा था, लेकिन अभी देखिए पूरा ब्लैक हो चुका है और ना थोड़ा सा दुख भी रहा है, तो ऐसा कुछ हो रहा है। तो चलिए फिर आज वेदर की रिपोर्ट देते हैं और कैसा दिख रहा है मौसम वो आपको दिखाते हैं हम लोग। तो आगे को बने रहिए, देखते हैं आज के ब्लॉग पे क्या होने वाला है। तो जी अभी हम मिल रहे हैं शाम के टाइम में, क्योंकि पहले ड्यूटी चली गई थी फिर ऑफिस ही जाना था, तो फिर ऐसा कुछ शेयर करने का था नहीं, फिर रोज वही होता है। तो अभी हम शाम के टाइम में आ चुके हैं अपने खेत में, तो यहाँ ना थोड़ी सी आड़ू बचा था तो आड़ू तोड़ने आ रखे हैं। और चलिए फिर इस काम को भी करते हैं और फटाफट से, और उधर चल रही है डिब्बे की पैकिंग, मतलब चिपका रहे हैं और फिर यहीं से भर के नीचे रोड में पहुंचाएंगे जैसे मैंने परसों वाली वीडियो में दिखाया था। और मौसम ना आज मतलब सुबह बारिश हुई थी, अभी भी नहीं हुई है क्योंकि मौसम बना हुआ है, तो हमको ये निपटाना हो रहा है। बारिश में फिर दूर के खेतों में नहीं जाया जाता है, इसलिए हमको अभी आना पड़ा है। तो अब हम क्या कर रहे हैं ना, ड्यूटी के साथ साथ सुबह शाम भी काम करना पड़ा है हम लोगों को, तो चलिए फिर अपना काम करते हैं। तो मैं चढ़ चुकी हूँ पेड़ में ही लेके गई हूँ, और यहाँ पे ना आप छोटा साइज दिखने को मिल रहा है क्योंकि बड़ा साइज खत्म ही हो गया, अब सीजन भी लास्ट ही होने वाला है। तो ये आड़ू हमारे फाइनल होंगे, अब इसके बाद हम ग्रेडिंग नहीं करेंगे, मतलब इसको सारा जो छोटे बड़े हैं ना इनको सब तोड़ देंगे और ऐसे ही भेजेंगे फिर। तो फिर इसको तोड़ लेते हैं और मिलते हैं फिर साथ साथ में आपको। तो जी जो दिन भर का जो फल फूल टूटा हुआ है वो सामने ट्रक भी लोड होने लग गया है, वहाँ लगा है, तो उस वाली लाइन का अलग ट्रक जाता है और यहाँ से ना नीचे आपको दिख रही होगी पिकअप, वो नीचे, तो हमने भी वहाँ सारने अभी वहाँ पहुँचाने हैं वहाँ तक के डिब्बे। और अभी ना एकदम से मौसम बढ़िया हो गया, मतलब खुल गया है, मुझे तो टेंशन हो रही थी कि बारिश आएगी, इस तरफ से बहुत ही काले काले बादल हो रहे थे ना, लेकिन इस तरफ से अब खुल रहा है तो थोड़ा सा आशा जग रही है कि हमारे आड़ू तोड़ने तक बारिश नहीं आएगी। तो जी शाम का वक्त हो गया है, लेकिन हमें थोड़ा सा आशा जग रही है कि आज बारिश नहीं आएगी, क्योंकि इस तरफ एक तरफ से बारिश आने का हो रहा था तो एक तरफ से आसमान खुल चुका है अभी, तो अब ऐसा लग रहा है कि बारिश नहीं होगी और आसानी से हम लोग आड़ू तोड़ेंगे। अब ये भी आप कहेंगे कि हर रोज आड़ू तोड़ने का ही वीडियो आता है, तो लेकिन हम भी क्या करें, क्योंकि इसी से हमारी रोजी रोटी चलती है और इसी मेहनत के बलबूते हम लोग यहाँ पे पहाड़ों में सर्वाइव करते हैं। और बहुत मेहनत करनी पड़ती है क्योंकि ये जो वीडियो में होता है ना, वो कुछ पल कैप्चर होते हैं कि हम कैसे काम करते हैं, लेकिन इसके अलावा भी ना बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना होता है पहाड़ों में। पहाड़ों के रास्ते तो आपने देखे हैं कि बहुत ही ज़्यादा छोटे और ऐसे होते हैं, अप डाउन इतना होता है, तो सर पे बोझ लेके जाना भी बहुत बड़ा एक टास्क होता है, तो इसलिए मैं आपको शेयर करती हूँ, लेकिन कुछ ऐसी मेमोरीज रह जाती हैं जिन्हें मैं भी सेव करना चाहती हूँ, तो इसीलिए थोड़ा बहुत मैंने आपको शेयर करने की कोशिश की है। तो आप इंजॉय कीजिए हमारे साथ, और मैं अभी पेड़ पे हूँ देखिए, और ना थोड़ा पसीने के साथ अभी हल्की हल्की हवा चल रही है तो बहुत ही अच्छा लग रहा है।
तो खेत पे ही हमारी पैकिंग चल रही है इधर ऐसे, तो पूरा हम ऐसे पैक कर रहे हैं। तो फटाफट से क्योंकि शाम हो रही है ना, बस एक पेड़ बचा है और पूरा बगीचा ना खाली खाली हो गया। स्टार्टिंग में आपने देखा था पूरा बगीचा भरा हुआ था, लेकिन आज हम फाइनल ही कर रहे हैं इसको, बस खत्म ही होगा ये वाला हमारा सारा आड़ू का खेत, फिर बचता है सेब। तो हमारी पैकिंग पूरी हो गई है और अब हम इनको पहुंचाने का काम करेंगे रोड में, क्योंकि ऑलरेडी वहां पर ना पिकअप लोड हो गया है। हम ही थोड़ा लेट हैं क्योंकि ड्यूटी से आने के बाद ही हम इस काम को कर रहे हैं। तो चलिए फिर पहुंचा लेते हैं क्योंकि लेट भी हो रहा है। तो हम ना इनको तीन तीन करके पहुंचाएंगे। और ये देखिए बिमला भी घास काट रही है, अब इसको भी जाने की तैयारी हो रही है सबकी। तो सारे लोग खेत से जाने का टाइम हो गया है सभी का, और इस खेत पर लगे हैं आलू। और अभी देखिए शाम होने का कुछ ऐसा नजारा हो रहा है। तो अब इस खेत में ना हमारा सेब ही रह गया है, तो आप देख सकते हैं सारा सेब ही सेब है। तो ये सेब के सपोर्ट के लिए ना हमने यहाँ पे लकड़ियां गाड़ रखी है, क्योंकि ये जो डाली है ना एकदम से नीचे जमीन पे लग रही है, क्योंकि अब ये जो दाने का साइज है तो वो बढ़ेगा तो ये और ज्यादा जमीन पे लगेगा, और पूरा ना मिट्टी मिट्टी से लगेगा तो फल जो है खराब हो जाएगा। तो इसलिए हमने इसके सपोर्ट के लिए छोटी छोटी डंडियां गाड़ दी हैं, जिससे सेब की टहनी को सपोर्ट मिल जाएगा। और नीचे हो रही है घास, तो इससे क्या होता है ना फल में सड़न नहीं आती है, क्योंकि हमने छोटे छोटे जो लकड़ियां गाड़ रखी है बहुत सारी हमने हर जगह पे गाड़ी हुई है, तो इससे हमारा फ्रूट जो रहेगा वो सेफ रहेगा। तो इसकी जो बारी आएगी ना अब जुलाई और अगस्त में आएगी, तब इसकी हार्वेस्टिंग करेंगे हम लोग। तो जी पिकअप भी लोड हो चुकी है हल्द्वानी के लिए, तो हमारा जो फ्रूट्स था वो लोड कर दिया हमने पिकअप में। और अभी शाम ही हो गई, मतलब शाम के 6:30 हो रहे हैं, और देखिए अभी भी थोड़ा बहुत उजाला है। और यहाँ से अब हमें ना घर जाने के लिए इतनी चढ़ाई पड़ती है, 1 घंटा लगता है यहाँ से ऊपर जाने के लिए, क्योंकि ये भी हमारा दूर वाला ही खेत था। पर एक टेंशन खत्म हो गई कि हमारा आड़ू ना सारा फिनिश हो गया यहाँ का, अब बचा हमारा प्लम एक जगह का और एक जगह का आड़ू। तो उसे भी हम कभी सुबह शाम ऐसे ही करेंगे, क्योंकि ये काम भी बहुत जरूरी होता है, क्योंकि इससे हमारी रोजी रोटी भी चलती है और इसी मेहनत के बलबूते हम पहाड़ों में रह भी पाते हैं। तो चलिए फिर आज के ब्लॉग को हम यहीं पर एंड करते हैं। आशा करती हूँ कि आज का ब्लॉग आपको पसंद आया होगा, हमारी मेहनत जो भी थी, तो ऐसे ही हमें काम करना होता है खुशी खुशी। तो फिर मिलते हैं आपको अगली नई वीडियो लेकर, तब तक के लिए जय देवभूमि उत्तराखंड।